नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और आज अगर हम बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए, कोरोना पर मचे देश भर में कोहराम के बीच, और सबकी नज़र एक राज्य के चुनाव पर थी, बंगाल, जहां ममता बनर्जी की तीसरी बार कहें कि वो सरकार बना रही है। लेकिन ममता बनर्जी से भी ज़्यादा चर्चा खासतौर से राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक पंडितों के बीच में है। जो लोग चुनाव के नतीजों पर गौर करते हैं, उनके लिए आज चर्चा में है प्रशांत किशोर पांडे, या फिर कह लीजिए पीके। और पीके ने 21 दिसंबर पिछले साल की बात है, 21 दिसंबर को एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद से हंगामा मच गया था। उन्होंने कहा था कि दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी बंगाल के चुनाव में पार नहीं कर सकती, इतना भरोसा था उन्हें अपनी रणनीति पर। उन्होंने जो बंगाल में ममता बनर्जी के लिए दांव बिछाया था बीजेपी के खिलाफ, वो बिल्कुल सही बैठा। और तब जब उन्होंने ट्वीट किया था कि 100 सीट तक नहीं पहुंच सकती है बीजेपी, और आज वही हुआ है। तो क्यों ना बात करें प्रशांत किशोर की, क्यों ना बात करें पीके की रणनीति की। और पीके ने तो आज कह भी दिया, तब उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है ट्वीट में तो वो ये जगह छोड़ देंगे, यानी चुनावी रणनीति बनाने का काम वो छोड़ देंगे। पर आज तो उन्होंने उससे एक कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अब ये सब वो नहीं करेंगे, इससे वो थक चुके हैं। वैसे भी पीके को जितना मैं जानता हूँ या जितना उनके बारे में लोग जानते हैं, हालांकि उनके दिमाग को पढ़ पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन जैसा है। पीके ने कहा कि अब वो इस काम से थक गए हैं, ये काम वो नहीं करेंगे। उनकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं राजनीतिक रही है, उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत कुछ बनने का है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और ये बात सही है कि शुरुआत से ही पीके के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है। पीके आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है। एक साथ उनके लिए दो दो खुशखबरी आई है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो बंगाल में उन्होंने जो सब किया वो सब दांव पे बैठा और ममता बनर्जी जीत गई। किस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पर एक तरीके से हल्ला बोल कर दिया था ममता बनर्जी के खिलाफ, और अमित शाह जिन्होंने खुद कहा था 2017 में, मुझे याद है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब वो बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, कि बीजेपी का स्वर्णिम काल यानी गोल्डन एरा तब आएगा जब बंगाल में पार्टी की विजय होगी। और अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, और सामने में टीएमसी के चाणक्य हो गए थे प्रशांत किशोर, और इस मुकाबले में प्रशांत किशोर यानी पीके जीत गए। दूसरी खुशखबरी उनके लिए तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में भी वो डीएमके यानी जो स्टालिन अब अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रहे थे। और ट्रैक रिकॉर्ड पीके का देखें तो अद्भुत है। अगर आप यूपी को छोड़ दें, जब 2017 में उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन दोनों के चुनावी रणनीति, वो कांग्रेस के लिए थे लेकिन दोनों मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वही उनके खाते में एक हार है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कैसे जीत दिलाई वो आपने देखा, फिर जगनमोहन रेड्डी कैसे जीते वो आपने देखा, और सबसे बड़ी शुरुआत जो की थी उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ की थी, लेकिन अब वो वही नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं। वो पंजाब भी पहुंच गए हैं कैप्टन अमरिंदर के प्रिंसिपल एडवाइजर बनकर के। हालांकि एक बात कही जा रही थी कि अगले साल चुनाव हैं तो क्या वो वहाँ पर कांग्रेस के लिए काम करेंगे, तो जब मैं कोलकाता गया था उनसे इस बाबत मैंने सवाल भी पूछा था, उन्होंने कहा नहीं, कैप्टन अमरिंदर उनके व्यक्तिगत मित्र हैं और इस नाते वो पंजाब चले गए हैं, लेकिन ये मान कर रखिए कि उनके लिए वो काम करेंगे। आज उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में अगले साल के शुरुआत में चुनाव है, प्रियंका गांधी से उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, राहुल गांधी से भी रिश्ते हुआ करते थे, और आपको बताऊं कि शुरुआत तो उन्होंने राहुल गांधी से ही की थी अमेठी में, ये बात तो 2012 की है, उसके बाद वो लाइमलाइट में आए, 2012 में अमेठी आए थे जहां वो कांग्रेस के लिए काम वगैरह कर रहे थे। लेकिन आखिर पीके अब करेंगे क्या, वो खुलकर नहीं बताया उन्होंने, बस इतना बताया कि जो वो ये काम कर रहे हैं आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो उन्होंने एक संस्था बनाई है जो डेटा तय करती है, जो चुनावी प्रबंधन देखती है, पार्टी के लिए नारे बुनती है, गढ़ती है, किस तरीके से देखा आपने बंगाल में जब वो 1.5 साल 2 साल पहले ममता बनर्जी उन्होंने लिया था, तो कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि बंगाल में क्या काम है, बंगाल के चुनावी अंगने में आखिर क्या काम है प्रशांत किशोर का। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने वहां जाते ही सबसे पहले जो कट मनी के आरोप लग रहे थे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, आप याद करें कि ममता बनर्जी ने कहा था कि कट मनी कोई नहीं लेगा, जिसने ले लिया वो वापस भी करे, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर था, वहां से पीके ने फीडबैक लेना शुरू किया और वहां से करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू किया। ये जो चंडी पाठ देख रहे हैं,
ममता बनर्जी का। आप याद करिए प्रशांत किशोर ने कहा था कि आखिर उनके बंगाल में चुनावी रणनीति का फंडा क्या है, तो उन्होंने एक लाइन में समझाया था कि मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट यानी अल्पसंख्यकों का बहुमत वोट और माइनॉरिटी ऑफ मेजोरिटी वोट यानी बहुमत का अल्पसंख्यक वोट, यानी कि जो 30% वहाँ पर मुस्लिम है उनका वोट बैंक और 70% जो हिंदू हैं उनमें से एक वोट बैंक उन्हें मिल जाएगा तो उनकी नैया पार लग जाएगी यानी ममता बनर्जी की। और वैसा ही हुआ है कि वहाँ ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है, उसका श्रेय प्रशांत किशोर को भी जा रहा है, क्यों ना जाए जिस तरीके से उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई। फिर लेकिन हम फिर लौट कर उसी बात पर आते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर क्या करेंगे। जब वो बिहार में थे नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते, यकीन मानिए वहां पर ये हाल था कि नीतीश अपने घर में जहां रहते थे प्रशांत किशोर उनके बगल में कमरे में रहते थे, दोनों की दोस्ती गजब की थी। और उस वक्त ये लग रहा था जब उनको जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया गया था तो लग रहा था कि क्या कहीं वो अपनी राजनीतिक विरासत जो है नीतीश कुमार उन्हें सौंपने वाले हैं, लेकिन बाद में रिश्तों में खटास आ गई। उसमें बहुत सारे बयान आए कि अमित शाह के फ़ोन करने पर उनको जेडीयू में लिया गया था। खैर वो बीती ताई बिसारी वाली बात हो गई है, अतीत की बातें हो गई। प्रशांत का सितारा अभी बिल्कुल बुलंदी पर है और ये यकीन मानिए कि वो राजनीति में आएंगे। उनकी इच्छा राजनीति बिहार से शुरुआत करने की है, लेकिन क्या उससे पहले किसी पार्टी से वो राज्यसभा सांसद बन सकते हैं? उनके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं क्योंकि ममता बनर्जी भी उन्हें ये ऑफर दे सकती हैं, स्टालिन भी उन्हें ये ऑफर दे सकते हैं क्योंकि उनके इतने अच्छे रिश्ते हैं, जगन मोहन से भी अच्छे रिश्ते हैं, वहाँ से भी उन्हें ऑफर मिल सकता है। तो क्या वो राज्यसभा जाएंगे या फिर अलग तरीके से बिहार में एक राजनीति शुरू करेंगे, इसके बारे में खुलासा नहीं किया। लेकिन यकीन मानिए कि प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में, अब तक उनका रोल जो था चुनावी रणनीतिकार का, अब वो नेता के तौर पर नजर आएंगे। आपने उन्हें पहले जब देखा था नीतीश और लालू की, जब उन्होंने मेल मिलाप करवाई थी 2015 की बात है, बीजेपी के विजय रथ को जब 2014 में मोदी पीएम बने थे उसके बाद विजय रथ को रोक दिया था प्रशांत किशोर ने। और प्रशांत किशोर ही ये जो बीजेपी के पोलराइजेशन की ध्रुवीकरण की राजनीति को कैसे वो कुंद करते हैं ये सबसे पहले 2015 में दिखा था, जब किसी मुस्लिम नेता को मंच पर नहीं बैठने देते थे, वो किसी पोलराइजेशन वाली किसी स्टेटमेंट पर फंसने नहीं देते थे। आपने देखा कैसे अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हनुमान चालीसा से लेकर के हिंदू प्रतीकों का उपयोग करना सिखाया, वही बात उन्होंने ममता बनर्जी को दुर्ग चंडी पाठ से लेकर हिंदू ब्राह्मण की बेटी से लेकर मंदिर जाकर आरती करने तक सिखाया। ये सब अब चुनावी रणनीतिकार के तौर पर कर रहे थे, लेकिन अब ये सब वो करेंगे अपने लिए एक नेता के तौर पर, ऐसा लग रहा है। तो प्रशांत किशोर अब एक बदले हुए रोल में नजर आ सकते हैं।